कितने पैकेट हैं? सरदार दो। बेशर्मो, पैकेट दो। आदमी तीन। वसीम हसन शेख मेरा जो नाम है और जो सोशल मीडिया पे मेरा नाम वायरल है, मिस्टर एक्सक्यूज मी भी बोलते हैं और जो मेरी टैगलाइन ज्यादा फेमस हुआ है एक्सक्यूज मी आप भी। जो आइडियाज हैं वो मेरे अपने होते हैं सभी प्रोजेक्ट्स के और ये गॉड गिवन है। एक्शन जी करेंगे सिया। बस बस मुझे अब और इनकार नहीं सुनना। मुझे बाबा शादी नहीं करवानी, नहीं करवानी, नहीं करवानी। अच्छा इनका भी मार्क रहता है, वो कहते हैं अब बस अब मुझे और इंतजार नहीं सुनना। नो प्रॉब्लम, तुम्हें लड़के वाले देखने आए हैं बाहर तो। अच्छा सर एक थोड़ा जहाँ तुम ना एक्टिव नहीं है, आप एक्टिव नहीं है, आप ऐसे लगते हैं जैसे बीमार बंदा फाले का मरीज होगा। एक्टिव बस बस मुझे आप और इंतजार नहीं सुनना। एक्टिव मैं समझता हूँ कि मेरे हिस्से में इतना है कि मैं लोगों को हंसा के नेकी कर रहा हूँ, तो चले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो नेगेटिव कमेंट है या जो इस तरह से है उस पर ऑब्वियसली हर बंदे को बुरा तो लगता है, लेकिन चूंकि मेरी अपनी एक लाइन है कि जिंदगी मोहब्बत के लिए बहुत कम है, लोग ना जाने नफरत के लिए टाइम कहाँ से निकाल लेते हैं। मेरी एड्स देख के लाइक भी करते हैं, मजा भी लेते हैं, एंटरटेन भी होते हैं, लेकिन बात करने से बात नहीं आते, आदत से मजबूर है ना। लेकिन यह है कि उन्हीं की नेगेटिविटी की वजह से समझ के आज मैं मिस्टर एक्सक्यूज भी बन गया, इसलिए मैं उनको भी बुरा नहीं कहता। एक्सक्यूज मी जी, काफी दफा ऐसा होता है कोई ना कोई पीछे आ जाता है, सर हम आपको देखा था आए हैं तो सेल्फी, तो मेरे ऑफिस में सेल्फी लेने आ जाते हैं। मैं मशहूर होने की जो वजह वो ये है कि नसीब, उस नसीब के पीछे क्या है वो अल्लाह पाक का फजल और मेरी माँ जी की दुआएं। और रही बात काम की तो वो मैं समझता हूँ मुझे अभी भी नहीं आता, मैं तो उल्टी सीधी मारता हूँ, वो मालिक जचा देता है। कोई भी आप चुकन तो पहला रानू लड़ाई का मुड दसा दे मुड अरे ते तू साडी इजाजत तू बगैर गुजराले किवें आ गया अजे दस के आंदा ये मच्छे दी त्रेली नहीं सी सकदा। ओए एक साथ दस दे तू इथे लंघ गया। मैं इथे लैन नहीं बिंगोस का ग्रिल बर्गर खा।